एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC के अमले ने कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाले दो गैर मुल्की बाशिंदों को बाजियाब कराते हुए एक अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। बाजियाब होने वाले मुगवी मंशियात के डीलर हैं और कराची मंशियात की स्मगलिंग की गर्ज से आए थे। नाइजेरिया से मंशियात की स्मगलिंग के लिए आने वाले नाइजेरियन बाशिंदे ही अगवा कर लिए गए। DIG CIA अमीन यूसुफ जई ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC के अमले ने तारिक रोड पर मुश्तरका कार्रवाई के दौरान दो गैर मुल्की बाशिंदों डेविड और पैट्रिक को बाजियाब कराते हुए एक अगवाकार बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। ये इसके अंदर हमारा कोई 0% भी किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उनको जो यहाँ वाले हैं जो वहाँ वाले हैं, हमारी तरफ से सब क्रिमिनल हैं, जहर बेच रहे हैं, मंशियात बेच रहे हैं, हमारी सरजमीन पर क्राइम कर रहे हैं। जो बाहर से आया है वो भी क्राइम कर रहा है, जो यहाँ वाला जो चीज़ बेच रहा है वो भी क्राइम कर रहा है, इंटरनेशनली हमें बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान एक ड्रग मार्केट नहीं है कि हम ड्रग सेलिंग के लिए यहाँ लोगों को खुली छूट दे दें और वहाँ पर लोग आके ख़रीदें और यहाँ वाले बेचें और उनके डिस्प्यूट, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास एक क्राइम रिपोर्ट होता है तो हमने उस क्राइम को अनर्थ करना है। ये ड्रग डीलर हैं, तंजीम का किसी चीज़ का कोई हमारे इलम में नहीं है ऐसी बात, ना कोई हमें कोई क्लू या कोई चीज़ ऐसी है, कोई शुभा की हद तक भी हम नहीं कह सकते। आगे इन्वेस्टिगेशन में जाने क्या चीज़ आए वो हम नहीं कह सकते। अलबत्ता ये ड्रग डीलर हैं, ये ड्रग का काम करते हैं, जिनका किसी नेशनैलिटी से किसी चीज़, उसमें एक पश्तो स्पीकिंग है, एक बलोची स्पीकिंग है और ये जो बिलाल है ये सेटलर है क्वेटा में, मतलब दे आर प्योर क्रिमिनल पीपल। उनका ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी को मजहबी या किसी लसानी तंज, कोई भी नहीं ऐसी बात। ये सिर्फ ड्रग डीलर हैं और ये इंटरनेशनल ये ऑपरेट कर रहे हैं। अमीन यूसुफ जई ने मजीद बताया कि मुगवियों का वीज़ा ख़त्म हो गया है, गैर मुल्की बाशिंदे भी जराइम पेशा और मंशियात का बड़े पैमाने पर काम करते हैं। ये ग्रुप मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगल करने के साथ बैरून मुल्क भी भेजते हैं। बेसिकली ये एक स्मगलर्स का एक ग्रोह है, ये भी पार्टनर्स इन क्राइम हैं। ये जो नाइजेरियन हैं ये कोई इनोसेंट नहीं है, मगर इस सेंस में इनको उन्होंने बुलाकर यहाँ पे पकड़ लिया, जो कि इनकी डील का हिस्सा नहीं था, बट उनको इन्होंने पकड़ लिया वो पैसे वसूल करने के लिए, जो शायद ये दबाना चाहते थे या ये ज़्यादा मांग रहे थे, क्योंकि क्रिमिनल इज़ ऑलवेज अ क्रिमिनल, ये भी क्रिमिनल है वो भी क्रिमिनल है। बट इस केस में ये एज मगवी के तौर पर तो ये मगवी हैं, मगर अदरवाइज़ ये पाकिस्तान में इनका आना किसी को नेक मकसद के लिए नहीं था और उनका बुलाना भी किसी नेक मकसद के लिए नहीं था, जिन्होंने इनको बुलाकर अगवा कर लिया या अपने पास हबसे भेजा में रखा, अपने पास उन्होंने इनको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा। ये एक ऐसा ग्रुप है जो अब्दुल अहद और चंद और लोग भी उसमें हमारे पास नाम सामने आए हैं, जो बड़े पैमाने पे मंशियात का काम करता है। जो इनकी इंटरोगेशन से पहले तो इनिशियली इन्होंने अपनी सिर्फ यही बातें बताई कि जी हमें तो, हम तो यहाँ आए थे और हम तो बस पाकिस्तान में आए थे कोई बेड शीटें ख़रीदने और कुछ टेक्सटाइल चीज़ें ख़रीदने और इन लोगों ने हमें बस पकड़ लिया कहीं से और हमें रख लिया, मगर हमने ये आइडिया इनका या इनकी बात बाय नहीं की। और वी न्यू कि ये इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है कि ये यहाँ बेड शीटें ख़रीदने नाइजेरिया से आ जाएंगे और तकिए ख़रीदने, तो इस पे जब काम हुआ मुख्तलिफ हमने चीज़ें मैच की, एक दूसरे के साथ लिंक्स मिलाए, तो ये बात सामने आई कि ये मंशियात को लॉन्चों के ज़रिए बलूचिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों से इसको खुले समुंदर में भेज कर फिर वो आगे अपनी डेस्टिनेशन पर भेजते हैं और वो बहुत बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा है।